साल में 52,000 हम जो योजना लाए हैं वो हर साल एक समय के लिए नहीं है, हर साल साल में 3 बार और सरकारी खजाने से हर वर्ष 75,000 करोड़ रुपया किसान के खाते में जमा होगा। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। अभी अभी आई बहुत ही बड़ी खबर। जी हां, अब आम जनता के लिए बहुत ही बड़ी राहत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कर दिए बहुत ही बड़े ऐलान। वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। अगर आप हमारे चैनल पर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अभी अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कर दिए बहुत ही बड़े ऐलान। आज से ही ये नियम लागू, अब आम जनता को यानी कि भारत की आम जनता को मिलेंगे बहुत ही बड़े लाभ, अब कोई नहीं रहेगा गरीब। बहुत ही बड़ी खुशखबरी सामने निकल कर आ चुकी है। केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार में भी ये नियम लागू क्या है, पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देख लीजिए। अगर आप वीडियो को पूरा देख लेंगे तो 100% आप लोगों को ये 5 से 6 लाभ जरूर मिलेंगे। वीडियो को पूरा देख ले, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कर दिए बड़े ऐलान। देश दुनिया की ताजा खबरें, सटीक खबरें आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी, क्योंकि यह दुनिया देश दुनिया का नंबर 1 न्यूज चैनल है। इस पर हमेशा सही खबर आपको दिखाई जाएगी। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। चलिए, अगर आप एक राशन कार्ड धारक हैं, अगर आप एक LPG गैस सिलेंडर उपभोक्ता हैं, अगर आप बिजली बिल उपभोक्ता हैं, अगर आप पेट्रोल डीजल का प्रयोग करते हैं, अगर आप देश दुनिया की खबरें जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लीजिए। सबसे पहले हम बात करेंगे फ्री LPG गैस सिलेंडर उपभोक्ताओं के बारे में। मौसम से भी जुड़े हुए समाचार आपको इस वीडियो में दिखाए जाएंगे कि कहां कहां पर भयंकर बारिश आंधी तूफान आया है या कहां कहां पर भूकंप की संभावना जताई गई है। पूरी की पूरी सही सटीक जानकारी चैनल पर मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहिए। चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सभी माताओं बहनों के लिए LPG गैस सिलेंडर उपभोक्ताओं के बारे में। LPG गैस सिलेंडर उपभोक्ताओं के लिए आई बड़ी खुशखबरी, अब महिलाएं खुशी से झूम उठेंगी। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि अब महिलाओं के खाते पर 225 की जगह 250 रुपए की सब्सिडी उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी और जो सिलेंडर लगभग उत्तर प्रदेश में 635 रुपए का यानी कि 935 रुपए का किया गया है, अब वही सिलेंडर, एक सिलेंडर पूरा 14 किलो का उनको फ्री दिया जाएगा। बेहद ही बड़ी खुशखबरी सामने निकल कर आ चुकी है। जी हां, अब माताओं को एक सिलेंडर फ्री दिया जाएगा। लेकिन किन माताओं को दिया जाएगा? जिनके पास आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, जिनके पास पासबुक है और जो महिलाएं जो बुक करके सिलेंडर मंगवाती हैं यानी कि जो सिलेंडर लोग बुक करते हैं उनकी सब्सिडी खाते में आती है, उन लोगों को एक सिलेंडर बिल्कुल फ्री दिया जाएगा। ये तोहफा दीपावली के शुभ अवसर पर, त्यौहार पर महिलाओं को दिया जाएगा एक LPG का गैस सिलेंडर। बेहद ही बड़ी खुशखबरी सामने निकल कर आ चुकी है। उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ जी ने कर दिए बहुत ही बड़े ऐलान। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि जितने भी हमारे इंटरमीडिएट के छात्र हैं या हाई स्कूल के छात्र हैं, UP बोर्ड के छात्र हैं, उन लोगों के लिए बेहद ही बड़ी खुशखबरी, अब स्मार्टफोन दिया जाएगा। जी हाँ, 2024 में जितने भी लोग, जो लड़के लड़कियाँ छात्र छात्राएँ हैं जो हाई स्कूल इंटरमीडिएट पास करेंगे, उनको स्मार्टफोन देने का दावा किया गया है। ये नियम हर जगह लागू किया गया है सभी राज्यों में। अब मैं आपको बता दूँ कि जितने भी हमारे माताएँ बहनें या भाई बहन, जो भी हमारे राशन कार्ड धारक हैं, जिनके पास एक राशन कार्ड है, उन लोगों के लिए बेहद ही बड़ी खुशखबरी सामने निकल कर आ चुकी है। राशन कार्ड धारकों की बल्ले बल्ले, अब 1 महीने में 2 बार दिया जाएगा फ्री राशन। लेकिन ये राशन किन किन लोगों को दिया जाएगा, पूरी की पूरी सही सटीक जानकारी आप लोगों को इस वीडियो में मिलेगी। जी हाँ, जो माताएं जिनका जो गरीबी वाला रेखा वाला कार्ड है या अंत्योदय वाला कार्ड हो, चाहे पीला वाला कार्ड हो, चाहे एक रिसीविंग उनके पास हो, अगर वो महिलाएं जिनके पास आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, बैंक की किताब है, उन महिलाओं को अब 1 महीने में 2 बार राशन देने का भी दावा किया गया है। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि दीपावली का त्यौहार है, उससे पहले पहले उन महिलाओं को महीने में 2 बार राशन दिया जाएगा। बहुत ही बड़ी खुशखबरी सामने निकल कर आ चुकी है। जैसा कि लगभग एक बार 13-14 अक्टूबर को राशन बटेगा और दूसरी बार दीपावली से पहले पहले यानी कि 2 से 4 तारीख को राशन बट जाएगा। अब ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी सामने निकल कर आ चुकी है। लेकिन सबसे बड़ी खबर यह है कि राशन के साथ साथ आपको 4 से 5 चीज़ें बिल्कुल उपलब्ध मुहैया कराई जाएंगी, बिल्कुल फ्री 4 से 5 चीज़ें दी जाएंगी। वो क्या है, वीडियो को अंत तक देखते रहिए, सही सटीक जानकारी आपको मिलती रहेगी। जैसा कि आपको सिर्फ चावल और गेहूं दिया जाता था, अब चावल गेहूं के साथ साथ आपको सरसों का तेल, मिट्टी का तेल, रिफाइंड चीनी, नमक इत्यादि, आपको सारी चीज़ें ये उपलब्ध कराई जाएंगी। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत ही बड़ा ऐलान कर दिया है। केंद्र के सरकार के साथ साथ राज्य हर राज्यों में नियम लागू किया जाएगा। कुछ राज्यों में नियम लागू भी हो चुका है, धीरे धीरे सभी राज्यों में नियम लागू किया जाएगा। रक्षा दीपावली से पहले पहले सभी लोगों को अब 2 बार राशन दिया जाएगा। बेहद ही बड़ी खुशखबरी सामने निकल कर आ चुकी है। अब मैं आपको बता दूं कि जितने भी हमारे बिजली बिल उपभोक्ता हैं, जो भी गरीब हैं, बिजली का बिल नहीं जमा कर पाते हैं, ज़्यादा इनका बिल आता है, उन लोगों के लिए बेहद
नहायत ही बड़ी खुशखबरी सामने निकल कर आ चुकी है। सबसे बड़ी खुशखबरी बिजली बिल उपभोक्ताओं के लिए, अब नहीं देना पड़ेगा बिल। कैसे, क्या करना पड़ेगा, किन लोगों को नहीं देना पड़ेगा, क्या आपको देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा, यही जानकारी मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर लेकर के आया हूँ। आप लोग वीडियो को बस पूरा देखते रहिए। जैसा कि माताओं बहनों, भाइयों बहनों, किसान भाइयों, अन्नदाताओं, सभी को बता दूं, अगर आप 200 यूनिट तक का बिजली खर्च करते हो एक महीने में, अगर आप एक महीने में 200 यूनिट तक बिजली खर्च करते हो तो आपको उसका बिल देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप 200 यूनिट से ज़्यादा बिजली खर्च करते हो एक महीने में तो आपको सिर्फ उसका भुगतान करना पड़ेगा। 200 यूनिट तक बिजली बिल्कुल फ्री कर दी गई है। अब ये नियम लगातार लागू हो रहा है अन्य राज्यों में, अब धीरे धीरे सभी राज्यों में ये नियम लागू किया जाएगा। अब उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और कई राज्यों के सीएम ने बैठक की और वहाँ पर बड़े ऐलान किए गए, ये मैं आप लोगों को बता रहा हूं। जी हां, अब बिजली बिल उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खुशखबरी सामने निकल कर आ चुकी है। और जिनके नाम पर राशन कार्ड है, जो महिलाएं के नाम पर आपके घर में कोई मुखिया है, एक उसका जो है श्रम कार्ड बना हुआ है या लेबर कार्ड बना हुआ है, उनके बैंक अकाउंट में अब 3,000 रुपए महीने सरकार ट्रांसफर करेगी। बहुत ही बड़ी खुशखबरी सामने निकल कर आ चुकी है। अब मैं आपको बता दूं कि जितने भी हमारे माताएं बहन हैं या भाई बहन हैं, पीएम किसान सम्मान निधि धारक हैं, जो उपभोक्ता हैं, तो मैं आपको बता दूं पीएम किसान सम्मान निधि की 15वीं किस्त लेकर के बहुत ही बड़ी खुशखबरी सामने निकल कर आ चुकी है। अगर आप प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 15वीं किस्त का इंतजार कर रहे हो तो आप लोगों के लिए बेहद ही बड़ी खुशखबरी सामने निकल कर आ चुकी है। पीएम किसान सम्मान निधि की 15वीं किस्त का पैसा किसान भाई काफी समय से इंतजार कर रहे हैं कि आखिरकार दीपावली से पहले ट्रांसफर हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि बहुत सारे जो है वो गरीब हैं। लेकिन अब मैं आपको बता दूं कि दीपावली से पहले 15वीं किस्त 2,000 रुपए किसानों के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी। बेहद ही बड़ी खुशखबरी सामने निकल कर आ चुकी है। अब 2,000 रुपए किसानों के बैंक अकाउंट में दीपावली से पहले ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। अब आप लोगों का डाउट खत्म हो गया होगा। अब मैं आपको बता दूं, अगर आप डीजल पेट्रोल का उपयोग करते हो, आपके पास कोई वाहन है, तो आप लोग जान रहे होंगे कि पेट्रोल और डीजल पर कितने हाई लेवल के दाम हैं। अब उन दामों में घटोतरी होगी। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि अब बढ़ोतरी नहीं होगी, लगभग मान लीजिए 4 से 5 रुपये पेट्रोल पर और 8 से 9 रुपये डीजल पर घटाने के ऐलान किए गए हैं। और 2024 में चुनाव चल रहा है, उसकी वजह से सारे ऐलान किए जा रहे हैं। अब इन ऐलानों पर फोकस करेगी सरकार और नियम ये 2-4 दिन के अंदर हर जगह लागू करेगी। अब मैं आपको बता दूं, बेहद ही बड़ी राहत महिलाओं के लिए, सरकारी बस में अगर सफ़र करती हैं महिलाएं तो उनको किराया देने की ज़रूरत नहीं है, उन लोगों का जो किराया है बिल्कुल माफ़ कर दिया जाएगा। बेहद ही बड़ी खुशखबरी सामने निकल कर आ चुकी है। अगर आप एक राशन कार्ड धारक हैं तो आपको एक महीने में अब 4 से 5 बारी तो राशन मिलेगा और 4 से 5 चीज़ें बिल्कुल फ्री दी जाएंगी। चने की दाल, सरसों का तेल, मिट्टी का तेल, नमक, रिफाइंड इत्यादि आपको चीज़ें बिल्कुल फ्री दी जाएंगी। बहुत ही बड़ी खुशखबरी सामने निकल कर आ चुकी है। तो देश दुनिया की ताज़ा और सटीक जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि यह वीडियो हर आम जनता के पास पहुँचाए पाए। मिलते हैं अगली जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।